वैसे तो आप लोगों ने अपहरण की कई सूचनाएं सुनी होंगी, कई ऐसी जाहिरात पड़ी होंगी, वर्तमान पत्र में, टीवी पर ये जाहिरातें आती है। अब अपहरण करने का कारण क्या होता है? कई लोग पैसों के लिए अपहरण करते हैं, कई लोग और कुछ कारण होते हैं उसके लिए अपहरण करते हैं। तो अपहरण क्यों किया जाता है कि यहाँ पर एक डॉक्टर का अपहरण किया गया और वह भी दूसरे ग्रह के लोगों मार्फत, और दूसरे ग्रह पर लोगों ने प्रगति तो बहुत कुछ कर ली, विज्ञान के क्षेत्र में वह अग्रगण्य हो गए, लेकिन फिर भी वह चिकित्सा के क्षेत्र में वह पिछड़े रह गए। अब इसके पीछे का कारण क्या था और यह चिकित्सा क्षेत्र में ही क्यों पीछे रह गए? विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति करने के बाद, इतनी प्रगति करने के बाद, यह इस क्षेत्र में पिछले क्यों रहे? इसके पीछे का भी एक कारण है और इसी कारण के लिए यहाँ डॉक्टर का अपहरण किया गया और उन्हें दूसरे ग्रह पर ले जाया गया। हो सकता है ये जो काल्पनिक परीक्षा है या काल्पनिक परिस्थिति है, यह हमारे पृथ्वीवासियों पर भी कल आ सकती है। आज हम लोग बहुत सारे रोगों से ग्रसित है और हो सकता है कि हमें पूर्व कुछ कल्पना दी गई कि दूसरे ग्रह पर जिस तरह का रोग आया उसी प्रकार के रोग से हमें भी ग्रसित आगे होना पड़े, इसलिए हमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। आज हम विज्ञान के भरोसे पर ज़्यादा बैठ रहे हैं और विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा न करके प्रकृति पर ज़्यादा भरोसा करें तो बेहतर होगा और असंख्य रोगों से हम लोग निजात पा सकते हैं और इसके लिए हमें अपनी सुरक्षा की जरूरत है। तो इसी माध्यम से हम डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर श्री कृष्ण देवसरे जी लिखित पाठ डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ में इसका अभ्यास करेंगे।